नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर। बिहार में दीपावली और छठ महापर्व को बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार से बाहर रहने वाले लोग इस दौरान अपने अपने घर चले आते हैं, अपने प्रदेश में इस त्योहारों को मनाने के लिए। घर आने के लिए लोगों के सामने एक परेशानी जरूर उनके दिमाग में कौंधते रहता है कि घर जाने के लिए ट्रेन में टिकट मिलेगा कि नहीं। इस बार अक्टूबर महीने में दीपावली और छठ पर्व है, ऐसे में अभी से सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका बुकिंग बंद हो गया है। कई ट्रेनों का आलम यह है कि यहाँ वेटिंग लिस्ट 400 से 500 तक पहुँच गई है। इधर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि ट्रेन चलने की तारीख से 120 दिन पहले यात्री ट्रेन में बुकिंग करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दिवाली का त्यौहार अक्टूबर महीने में है, मगर स्लीपर और AC 3 टेयर क्लास के सभी बर्थ बुक हो चुके हैं। इससे दीपावली और छठ के त्यौहार पर लोगों को घर आने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो दिल्ली से चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में मंगलवार को ही बुकिंग बंद कर दी गई है। इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट 300 से पार कर गई है। नई दिल्ली से जयनगर के बीच में चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में वेटिंग लिस्ट 487 है, जबकि वैशाली एक्सप्रेस में इसका वेटिंग लिस्ट 404 है। आपको बता दें कि अगर यात्री अब टिकट लेना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, तत्काल का टिकट। ऐसे में अभी तक जिन लोगों ने टिकट नहीं लिया है उनकी नज़रें इसी तत्काल टिकट पर गड़ी होगी, ताकि वो त्यौहार में अपने अपने घर पे आ सकें। साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें कि त्योहारों के दौरान आप अपने घर आ सकते हैं, वो है रेल मंत्रालय की मर्जी के अनुसार। त्योहारों के समय में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, जिससे कि यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रेनों में इस तरह की स्थिति बनी है। त्योहारों के समय में इस तरह की स्थिति बनती ही रहती है। ऐसी स्थिति में यात्रियों के सामने बस अब एक उपाय बचा है कि रेलवे त्योहारों के समय में स्पेशल ट्रेनें चलाएं, ताकि लोग त्यौहार के समय अपने अपने घर पहुंच सकें। ऐसे में अब यात्रियों के सामने समस्या यह है कि आखिर वो यात्रा करें तो करें कैसे। यह भी कहा जा रहा है कि आखिर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में अचानक से इतनी बुकिंग कैसे हो गई। आपको बता दें कि बिहार से दिल्ली आने जाने वाली यात्रियों की संख्या में काफ़ी है। बिहार के ही पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर से दिल्ली के लिए ट्रेनें खुलती है। इन स्टेशनों पर देश के अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेनें खुलती हैं, लेकिन दिल्ली के लिए ज़्यादा खुलती हैं। इसके बाद भी दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों की सभी वेटिंग लिस्ट में 400 से 500 की ट्रेनों में जो है वेटिंग लिस्ट की स्थिति बनी हुई है। बुकिंग को लेकर भी हम कह लें तो कई ट्रेनों में बुकिंग बंद कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों के सामने परेशानी होगी, साथ साथ उनके सामने अब तत्काल टिकट और स्पेशल ट्रेनें ही दो एक ऑप्शन के रूप में बचा है, जिससे कि वो त्योहारों के समय में घर आ सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि पिछली बार भी अगर हम बात कर लें या फिर उससे पिछली बार की बात कर लें तो स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता रहा है, क्योंकि त्योहारों के दौरान जो रेगुलर ट्रेनें होती हैं उसकी बुकिंग पूरी हो जाने के बाद से स्पेशल ट्रेनों में जो है बुकिंग करा कर यात्री जो है अपने घर पहुंचते हैं। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जरूर करेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।